हमास के नए चीफ याहिया सिनवर को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कुछ दिन पहले इसराइल की सेना ने सिनवर को घेर लिया था, लेकिन इसराइल की फोर्स उन तक पहुंच नहीं पाई थी। जिस सुरंग में वो थे वहां से मिली है करोड़ों की करेंसी, और अब सिनवर कहां है और हमास के ग्रेनेड दस्ते हमला कहां करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इस सवाल ने इसराइल की सेना को परेशान करके रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। 31 जुलाई 2024 जिस दिन इसराइल ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा, ठीक उसी दिन इसराइल की कमांडो फोर्स ने हमास के कमांडर याहिया सिनवार को गाजा में घेर लिया था। यानी इसराइल का टारगेट था दिन एक 31 जुलाई 2024, टारगेट दो हानिया और सिनवार। लेकिन जब इसराइल के कमांडो दक्षिण गाजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इसराइल की फौज दंग रह गई। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए। जी हां, 83 करोड़ रुपए उस सुरंग से मिले हैं जहां सिनवार छुपा हुआ था। सिनवार ने सुरंग में अपने पास रखी हुई थी इजरायली करेंसी शेकेल। इसकी कीमत $10 मिलियन बताई जा रही है, और भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 83 करोड़ हो जाते हैं। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। सिनवार बहुत चालाक है, वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा है और इसराइल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इसराइल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गाजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। लेकिन सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता था। एक तरह से याहिया सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इसराइल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इसराइल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इसराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है, इसीलिए गजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इसराइल की फोर्स 2400 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। इसराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वही होगा जहां इस वक्त मोहम्मद दाइफ है, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इसराइल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम बुक कर दिया गया है। दाइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है। यानी हमास की लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। सिनवार इज एन आर्की-टेररिस्ट रिस्पांसिबल फॉर वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल टेरर एक्ट्स इन हिस्ट्री, द 7th ऑफ अक्टूबर। देयर इज ओनली वन प्लेस फॉर इखे सिनवार, इट्स नेक्स्ट टू मुहम्मद दाइफ, नेक्स्ट टू रंदूर, नेक्स्ट टू आयमन नोफेल, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याहिया सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास की खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से दो इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजराइल के दो सैनिक साथ बैठे हैं, तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं दो लाशें गिरती हैं। हमास का खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुका है। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर एक गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है। ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजरायल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहाँ एक सैनिक पीछे से हुए हमले से मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन ये फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याहिया सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा है कि अब हमास की कमान उसके हाथों में दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। रिगार्ड टू मिस्टर सिनवार, ही हैज बीन एंड रिमेन्स द प्राइमरी डिसाइडर व्हेन इट कम्स टू कंक्लूडिंग अ सीजफायर, एंड सो आई थिंक दिस ओनली अंडरस्कोर्स द fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in a crossfire of Hamas's making at Gaza. अमेरिका ने कहा है कि सीज़फ़ायर का फैसला करना अब सिनवार के हाथों में है, जबकि सच ये है कि उसे तो ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि याहिया सिनवार को ग्रेनेड वाला ताज या कहें कि उसे कफन इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमास के बाकी लीडर्स ने हानिया की मौत के बाद ये पद संभालना सही नहीं समझा, या फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि इजराइल का अगला टारगेट वो होंगे, इसलिए बेहतर है कि ग्रेनेड वाला ताज सिनवार को पहना दिया जाए और ऐसे ही उसे हमास का नया चीफ नियुक्त कर दिया गया। जब सिनवार गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन कर रहा था, तभी तेहरान से खबर आई कि हानिया की मौत एक धमाके में हो चुकी है। यह ऐसा हमला था जिससे ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर हैं। गाजा में हमास बुरी तरह हिल चुका है। हाल यह है कि जब से हानिया की मौत की खबर गाजा में फैली है, वहां की सुरंगों में छुपा याहिया सिनवार रोज दहाड़े मारकर रोता है। अपने बॉस इस्माइल हानिया को याद करके सुरंग में मौजूद हमास का नया कमांडर याहिया सिनवार बहुत बेचैन हो जाता है। उसे पता चल गया है कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा, इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया है। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्ला बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुकर की मौत से डबल झटका नसरल्ला को भी लगा है। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्ला अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर में न सिर्फ हानिया का मातम मनाया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्ला अपने कमांडर फवाद शुक्र को भी बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله ايضا يرى نفسه ملزما بالرد وايران سترد وحزب الله سيرد والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحه عليه يحسبها هي الرد.
ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूती विद्रोहियों को हुदैदा बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। हुदैदा पोर्ट शोलों में जल चुका है, लेकिन यमन ने इसका बदला ग्रीस के फ्लैग वाले तेल टैंकर जहाज को टारगेट करके ले लिया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए हूती के एंटी शिप मिसाइल ने कैसे इस टैंकर जहाज को निशाना बनाया। ऐसे ही हमलों की वजह से गाजा और इजराइल युद्ध और तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई फ्रंट एक्टिव हैं और हर फ्रंट पर एक नई जंग शुरू होने वाला बारूद मौजूद है।